बॉलीवुड में इरफान खान के कोई हेटर नहीं है और उसी तरह से क्रिकेट में शिखर धवन के कोई हेटर नहीं है। और हाल ही में शिखर धवन ने कुछ ऐसी बात कही है जो आप भी सुनेंगे तो काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बात रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में। उन्होंने कहा कि जितनी भी मैंने परफॉर्मेंसेस की हैं एज अ पेयर, अगर आप मुझसे पूछोगे तो रोहित शर्मा एक कमेंडेबल पेयर है, और इस बात का वो अश्योरिटी देते हैं कि आप अगर उनके साथ खेल रहे हो तो पिच पर आप इंजॉय करो अपने टाइम को। और मैंने जितनी भी बेस्ट मेरी परफॉर्मेंस आई है उसका मैं, मतलब उन्होंने बोला कि मैं सीरियसली उसका क्रेडिट रोहित शर्मा को दूंगा, उनके सपोर्ट को दूंगा, जिस तरह से उन्होंने मुझे बैक किया, जिस तरह से जब हम दोनों खेलते थे तो आपको वो फ्रीडम देते हैं, आपको वो सपोर्ट करते हैं, आपको वो पुश करते हैं कि आप परफॉर्म करो, और उसी की वजह से मेरी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं। तो रोहित शर्मा के बारे ये बात इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि अभी जब यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे तब वहां पर भी यशस्वी ने कुछ ऐसी बात कही थी कि उनको फ्रीडम मिलती है, तो यशस्वी को देख करके अक्सर लोग शिखर धवन को याद करने लग जाते हैं क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो आता है साथ में ओपन करने। फिर उसके बाद उन्होंने, शिखर धवन ने विराट कोहली के बारे में कुछ बात कही, उन्होंने कहा कि विराट कोहली एज अ कैप्टन उन्होंने टीम में एक एनर्जेटिक इन्वॉल्वमेंट दिया है, उन्होंने जो यंग टीम है ना उनको यूथफुल एनर्जेटिक टीम बनाया है, और वो हमेशा आपको इनकरेज करते हैं, यंग टैलेंट को इनकरेज करते हैं, आपको फिटनेस के लिए, फिट रहने के लिए हमेशा कहते हैं, और आप अगर परफॉर्म कर रहे हो, आप में अगर वो स्किल सेट है, आप में अगर वो टैलेंट है, तो वो हर उस हद तक पहुंच जाएंगे जहां तक वो आपको बैक कर सकते हैं, जहां तक वो आपको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं ताकि आप फ्लरिश करो। तो शिखर धवन के मुंह से ये बात आना ये बताता है कि किस तरह से विराट कोहली ने एक यंग टीम जो बनाई थी जिसमें बहुत एनर्जी डाली थी, हमने देखे बहुत सारे टेस्ट मैचेस देखे हमने जहां पर विराट कोहली के उस अग्रेशन ने सामने वाले को हरा दिया था, हमने बहुत सारे ऐसे मैचेस देखे जहां पर विराट कोहली के बाद आप सिराज का नाम ले लें या फिर आप और कुछ खिलाड़ी का नाम ले लें, उनके अंदर वो अग्रेशन गुजरता हुआ हमें दिखा है कि विराट कोहली ने जिस तरह से टीम में वो फिट रहने का एक दौर शुरू किया। अब आप देखेंगे शुभमन गिल की हम बात करते हैं फिटनेस की, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो केएल राहुल की हम बात करते हैं फिटनेस की, लेकिन ये पूरा दौर जो शुरू हुआ था ये विराट कोहली से शुरू हुआ था। तो ये यंग प्लेयर्स को बैक करना, फिट रहने की बात करना, और रोहित शर्मा की अगर बात करें तो रोहित शर्मा का अपने साथ वाले खिलाड़ी को सपोर्ट करना ये बताता है कि किस तरह से टीम बिल्डअप होती है, क्योंकि बहुत सारी टीम आप देखेंगे जब खिलाड़ी चले जाते हैं ना तो वो तारीफ करते हुए नहीं दिखते हैं। बहुत सारी ऐसी टीम है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि वो खिलाड़ी जाने के बाद कहता है कि मेरे साथ पिच पर इस तरह का होता था या फिर ड्रेसिंग रूम में कुछ इस तरह का होता था जिस टाइम हम बता नहीं सकते, लेकिन शिखर धवन वो खिलाड़ी हैं जो आप चाहे पास्ट में चले जाएं, प्रेजेंट में रहें या फ्यूचर में चले जाएं, आपको वो इंसान शिकायत करता हुआ नहीं दिखेगा। ना अपनी लाइफ के बारे शिकायत करी उसने, ना अपने बच्चे के बारे, ना अपनी एक्स वाइफ के बारे, ना ही अपने किसी भी बैटिंग पार्टनर के बारे, और हमेशा एक स्माइल के साथ, हमेशा एक अच्छी बात फॉरवर्ड करने के साथ वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो आपको इंस्पिरेशन देता है, ना ही सिर्फ गेम की बल्कि लाइफ जीने की भी। तो शिखर धवन के बारे जब भी बात आती है, जाहिर सी बात, जैसे मैंने शुरू में कहा कि शायद वो एक लौता खिलाड़ी है जिसके कोई हेटर्स नहीं होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से भी कोई ऐसा नहीं होगा जो शिखर को हेट करता हो, इनफैक्ट बहुत सारे वो लोग होंगे जो ये बात सुन के बहुत खुश होंगे। रोहित और जो विराट के फैन होंगे तो ऑब्वियसली खुश होंगे ही। तो चलिए देखते हैं कि शिखर की ये जो लाइंस हैं कि रोहित आपको सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं, और उनकी वजह से कुछ बड़ी परफॉर्मेंसेज आई हैं उनकी, क्या वही स्टेटमेंट कुछ यशस्वी की तरफ से भी आ सकती है, क्योंकि रिसेंट में यशस्वी ने भी कुछ ऐसा ही बोला है। तो जो काम शिखर धवन ने किया है क्या कुछ वैसा यशस्वी कर सकते हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, और जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे पास आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्मर्स नहीं है, और वो एक खिलाड़ी था जो आईसीसी टूर्नामेंट में किसी भी देश में आप चले जाओ वहां जाकर के परफॉर्म करता था। तो अब वो रोहित की बदौलत करता था या नहीं करता था वो एक अलग सी बात है, वो उनका अपना मानना, अपना बड़प्पन है, लेकिन अगर वाकई वो रोहित की बदौलत करता था तो हम उम्मीद करते हैं कि ये रोहित वो चीज यशस्वी में भी डाल पाए और हम आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्म करने वाले ओपनर्स को एक बार फिर से देख सकें। क्या आप शिखर धवन को आईसीसी टूर्नामेंट्स में मिस करते हो, और क्या आपको लगता है कि यशस्वी उनको रिप्लेस कर सकते हैं? अगर हाँ तो अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।